गुरुदेव, ओशो अपना एक सपना छोड़कर गए थे, जिसकी जिम्मेवारी आजकल आप लोगों ने ली हुई है उसको पूरा करने की, कि 10,000 बुद्ध देने हैं इस दुनिया को, ताकि वो जगह जगह फैल के मानव कल्याण का, लोगों का उत्थान कर सकें। उसमें आप कहाँ तक अभी पहुँचे? ओशो ने यह आश्वासन दिया था और हम अपनी संस्था को ओशो धारा इसलिए कहते हैं कि ओशो रूपी हिमालय से यह धारा प्रवाहित हुई है, और ओशो ने यह भी आश्वासन दिया था कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है और अध्यात्म की गति भी परिवर्तित होनी चाहिए। तो ओशो कहते थे कि हम साधकों को जेट स्पीड से ले चलेंगे। तो उनका सपना, उनका आश्वासन कि हम इस पृथ्वी पर 10,000 बुद्ध छोड़ जाएंगे, उसे पूरा करने के लिए ओशो धारा में हम भी आध्यात्मिक गति को जेट स्पीड से ले चल रहे हैं, और हमारा हर कार्यक्रम 6-6 दिनों का होता है, और हमने ओशो धारा में सदगुरु त्रिविद ने कृपा कर एक सोपान बना दिया है कि हम पहला कार्यक्रम में ओंकार के द्वार से साधकों को परमात्मा में प्रविष्ट करा देते हैं, और इस कार्यक्रम का नाम ध्यान समाधि है। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम का नाम सुरति समाधि है। उस कार्यक्रम में हम साधकों को ओंकार में स्थापित कर देते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं, इस प्रकार से स्टेबलाइज कर देते हैं कि संसार उनको खींच कर नीचे न गिरा। तीसरे कार्यक्रम में निरति समाधि में हम साधकों को ज्योति स्वरूप निरंजन जिसे कहते हैं, अर्थात दिव्य प्रकाश के द्वार से परमात्मा में प्रवेश कराते हैं। उस अनुभव के बाद हमारा चौथा कार्यक्रम अमृत समाधि है। उसमें हम साधकों को शरीर से बाहर निकलकर आत्मा का अनुभव करवाते हैं, जिसे अमृत कहते हैं। तब साधकों को अनुभव होता है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम शरीर नहीं हैं। उसी प्रकार हम पांचवें कार्यक्रम में साधकों को दिव्य ऊर्जा से परिचय करवाते हैं, और दिव्य ऊर्जा हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और दिव्य ऊर्जा का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसका आध्यात्मिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका हम प्रशिक्षण देते हैं। फिर उसके बाद दिव्य समाधि में परमात्मा का दिव्य रस, परमात्मा का दिव्य गंध, तो इन द्वारों से भी हम साधकों को परिचय करवाते हैं, और इन द्वारों से भी हम परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं। दिव्य समाधि के बाद चैतन्य समाधि में हम साधकों को सतत चेतनशील बने रहने का प्रशिक्षण देते हैं, और यह अनुभव करवाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं, हम चैतन्य साक्षी हैं। और तब उसके बाद हम आनंद समाधि में परमात्मा के आनंद रूप से साधकों को परिचित करवाते हैं, आनंद के द्वार से परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद हमारा कार्यक्रम प्रेम समाधि है, प्रेम के द्वार से परमात्मा में प्रवेश। ओशो प्रवचन माला में एक पुस्तक है, प्रेम का द्वार प्रभु का, उस द्वार से हम परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं। ओशो कहते थे कि प्रेम ही जीसस क्राइस्ट से भी आगे का वचन, परमात्मा प्रेम है, जीसस क्राइस्ट कहते थे, वो सब कहते थे कि प्रेम ही। उससे परिचित कराने के बाद तब हम साधकों को अद्वैत समाधि में ले जाते हैं। अद्वैत समाधि अर्थात एक्सपीरियंस ऑफ वननेस ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव जंतुओं में वही परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा कहते हैं समाई हुई है, उसी परम ऊर्जा से यह सृष्टि बनी है, और कण कण में परमात्मा व्याप्त है। यही अनुभव आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो हम चौथे कार्यक्रम तक तो आत्मज्ञान प्राप्त करवा देते हैं,
और अद्वैत समाधि तक दसवें कार्यक्रम तक आते आते ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा देते हैं। और इस प्रकार हमारे ओशो धारा के कार्यक्रमों से उत्पन्न आत्मज्ञानियों और ब्रह्मज्ञानियों की संख्या सैकड़ों में है। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार सद्गुरु त्रिविद की कृपा बरस रही है और साधक जिस प्रकार प्रयत्नशील हैं, हम कुछ आचार्य गुरु कृपा से जिस प्रकार प्रयत्नशील हैं, तो हम निकट भविष्य में ओशो के सपने को पूरे कर पाएंगे और हम 10,000 साधकों को संबुद्ध कर सकेंगे। ऐसी ये कब तक उम्मीद हम कर सकते हैं? अभी ओशो धारा को गठित हुए 11-12 साल हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि संस्था तो सहसव अवस्था में है। युवा अवस्था हम कहते हैं कम से कम 20 वर्ष की उम्र को। तो ओशो धारा जब तक 20 वर्ष की होगी तब तक हमारे 10,000 साधक संबुद्ध हो चुके रहेंगे, ऐसी आशा में करता हूँ। गुरु जी, आप ओशो धारा का अगला कदम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ओशो धारा कभी राजनीति में भी आएगी क्या समर बदलाव के लिए? राजनीति से हमारा कोई संबंध न है और न होगा। हाँ, ओशो धारा के कार्यक्रम में हम ज्ञान और भक्ति की संयुक्त धारा बनाना चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक इतिहास में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी प्रथम महान ज्ञानी और गुरु थे जिन्होंने यह घोषणा की कि भक्ति मार्ग भी सही है और ज्ञान मार्ग भी सही है। इसके पहले अन्य किसी गुरु या ज्ञानी ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी अध्यात्म के प्रथम संगम थे जहाँ आकर ज्ञान और भक्ति दोनों का मिलन होता था। लेकिन कुछ संयोग से उनके शरीर त्याग के बाद संगम से संयुक्त धारा आगे नहीं बढ़ी। फिर ज्ञान की धारा अलग हो गई, भक्ति की धारा अलग हो गई। हजारों वर्ष के बाद संत कबीर दास जी दूसरा संगम है जहाँ आकर ज्ञान और भक्ति का मिलन हुआ। लेकिन यह कुसंजोग पुनः आया कि संत कबीर दास जी से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग जुड़े हैं, तो उनके शरीर त्याग के बाद फिर ज्ञान की धारा अलग हो गई, भक्ति की धारा अलग हो गई। तीसरा संगम हमारे परम गुरु ओशो जिन्होंने ज्ञान और भक्ति का एक सम्यक सामंजस्य स्थापित किया और तीसरा संगम बनकर प्रस्थान कर गए। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम यहाँ से उस धारा को परंपरा के रूप में ज्ञान और भक्ति की संयुक्त धारा बनाकर सज्ञान भक्ति की धारा बनाकर आगे ले चले। तो भविष्य में हम यही करने जा रहे हैं कि ओशो धारा सज्ञान भक्ति की धारा है, उस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी, आज जितने भी देश में भगवान की बात करने वाले जो बाबा हैं उनमें से अधिकतर पर ओशो का प्रभाव नज़र आता है, लेकिन वो ओशो का कहीं नाम तक नहीं लेते हैं और ओशो धारा ही एकमात्र ऐसी आध्यात्मिक धारा है इस देश में जो ओरिजिनली ओशो के देशना ध्यान और समाधि के कार्यक्रमों को करा के लोगों को प्रबुद्ध कर रही है। तो ये जो दूसरे लोग हैं उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के आध्यात्मिक इतिहास में या संसार के आध्यात्मिक इतिहास में दो खंड हैं, ओशो के पहले और ओशो के बाद। वे सभी ओशो के वचनों को चुराकर अलग अलग संस्था चलाकर ओशो की आलोचना भी करते हैं और अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, टू पैसा कमा रहे, अपना स्वार्थ साधन बनाकर वे ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो सारे संसार में ऐसा सभी देशों में सभी संप्रदायों में होता आया है, दुनिया इसी प्रकार चलती है और होता भी रहेगा। अगर हम उनके साथ उलझते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य बाधित हो जाता है। इसलिए हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते चल रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए,
उससे हमको क्या मतलब है, दुनिया देख रही है। हाँ, दुनिया में जब तक अज्ञानी लोग हैं, जब तक झूठी बीमारियां हैं, तब तक झूठे इलाज भी चले, तब तक नकली डॉक्टर भी चलते रहे, और जब नकली सिक्के बाजार में आ जाते हैं तो असली सिक्के लोग छिपाना शुरू कर देते हैं और नकली को ही आगे चला देना चाहते हैं। यह अर्थशास्त्र का नियम भी है। तो उसी प्रकार बरसाती मेढक के जैसे बहुत सारे संत बनकर टर टर की आवाज़ कर रहे हैं। आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि साधना के नाम पर वे लोगों को बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं। जो साधना पद्धति या जो साधना का कार्यक्रम, जो कर्म, जो विधि उनके पास है, एक वर्ष, पाँच वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष उन्हीं का प्रयोग करते हैं और साधकों को कोल्हू के बैल के जैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। आपको अन्य पंथों में इस प्रकार के साधक मिलेंगे जो 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कदम भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़े हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं। तो उनका शोषण किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम सीधे आ रहे हैं।